अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन और भिंडी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने इसके लिए सबसे पहले लिया है 2 मीडियम साइज प्याज। इसमें 10 से 12 हमने लिया है गार्लिक, और ये छोटा सा साइज अदरक, इसको हमने पीस कर लिया है। अब इसका हम बनाएंगे पेस्ट, ठीक है। बनाएंगे पेस्ट। अब पेस्ट बनाने का ये है कि आप ऐसे तो नहीं करेंगे, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ठीक है। और ये पानी है, इसमें थोड़ा सा ही पानी डालना है, इतना कि आपको दिखे कि नीचे का थोड़ा सा लेयर है पानी का, बस इतना। दिस वीडियो इज फॉर बिगनर्स ओनली, जिसको पता नहीं है कि क्या, बाकी जिनको एक्सपर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमने लिया है हांडी। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच ऑयल। ये तेल गरम हो गया है थोड़ा सा। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है प्याज अदरक लहसुन वाला, वो डाल देंगे। हमने पेस्ट डाल दिया है, अब हम इसमें ये डालेंगे। ये मैंने लिया है कम से कम 10 से 12 क्लोव लौंग, जिसको कहते हैं। फिर काली मिर्च लिया है कम से कम 15 से 20 होगी। ये मैंने बड़ी इलायची ली है 2, छोटी इलायची, ये सिनेमन स्टिक है, और ये 3 से 4 तेजपात के पत्ते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारा हो रहा है पेस्ट, हम इसी में ऐड कर देंगे ताकि पेस्ट की भुनाई हो जाए और इनका भी सारा इसके अंदर भुनाई हो जाए। इसकी भुनाई होगी तो हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे ताकि इसकी अच्छे से प्रॉपर भुनाई हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें हमने वो करा है पेस्ट बनाया, जैसे ये है, तो हम इसी के अंदर पानी डाल देते हैं ताकि जो रिमेनिंग बचता है इसके अंदर पेस्ट, वो भी चला जाए और पानी भी ऐड हो जाए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द घर में ऐसे ही करते हैं, आई गेस। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड कर सकते हो, जब आपको लगे कि नीचे चिपक रहा है तो, और थोड़ा थोड़ा करके उसको मिला सकते हो ताकि भुनाई भी अच्छी हो जाए, और जब ज़रूरत पड़े तो पानी हो तो वो पेस्ट वाला ही हो। ऐसा नहीं है आप नॉर्मल पानी का यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग ऐसे करते हैं कभी कभी। ये इसकी भुनाई हो रही है। अब भुनाई होते टाइम अगर आप हाई फ्लेम लगाओगे, मैं आपको खुद बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने हाई फ्लेम करा ना, तो ये ऐसे करके उछलेगा आपके ऊपर। तो इसके 2 तरीके, आइदर यू रिड्यूस द फ्लेम, आपकी फ्लेम कम कर दो, दूसरा गैस में थोड़ा पानी ऐड कर दो, और एक और तरीका गैस को कवर कर दो, ठीक है। तो इसे डरना नहीं है कि तो उछल रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको बीच में थोड़ा चलाते रहना है ताकि अच्छे से। अब हमको पता कैसे चलेगा कि इसकी अच्छी भुनाई हुई है, जब इसमें से जो हमने ऑयल डाला है ना वो सेपरेट होने लगेगा। अभी इसमें सेपरेशन का थोड़ा थोड़ा आया है, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल आने लगा है, लेकिन थोड़ा और ऑयल जो हमने डाला है वो ऊपर आ जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसकी अब भुनाई हो गई है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये ना इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है, हमने जिसका पानी ऐड किया था थोड़ा सा क्योंकि नीचे चिपक रहा था, तो वो भी अब इसमें उड़ गया है, और हमने इसको हाई फ्लेम करा है तो ये उछल भी नहीं रहा है। तो दैट मीन्स कि अच्छी से इसकी भुनाई है, और पानी तो उड़ गया, और ऑयल जो है वो थोड़ा ऊपर ऊपर आने लगा है, आप देख सकते हो साइड में से ऑयल आ गया। तो नाउ दिस इज द स्टेज कि नीचे भी नहीं चिपक रहा है और सब कुछ है, तो अब इस स्टेज में हमें इसमें चिकन ऐड कर देंगे, क्योंकि चिकन अगर आप पानी इसमें रहता है फिर आप चिकन ऐड कर दोगे तो चिकन का भी पानी रहता है थोड़ा सा, वो भी इसमें निकलेगा, तो ये नहीं चिपकेगा। अगर आपको डर है ना कि चिकन डाल दिया चिकन भी चिपक गया, तो चिकन नहीं चिपकेगा क्योंकि उसमें से भी थोड़ा पानी होता है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो इट विल हेल्प इट, ठीक है। ये मैंने लिया है 1 किलो चिकन, अब हम इसको ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें चिकन की भुनाई हो रही है। अब इसमें ये है कि हमने चिकन ऐड किया है तो इसकी अच्छे से सारी जितनी भी स्मेल है, क्योंकि कभी कभार कुछ लोग होते हैं प्रॉपर वॉश नहीं कर पाते हैं या कुछ ऐसा रहता है, तो आप उसकी भुनाई जितनी अच्छे से कर लोगे ना, इसका जितना भी पानी है वो सारा उड़ जाएगा, तो इसकी स्मेल नहीं रहेगी इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चिकन बनाने में, ताकि चिकन की स्मेल नहीं आए ना। तो इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसका अच्छे से पानी उड़ जाए,
अब इसकी बुनाई होते होते आपको लगेगा कि ये चिपक रहा है, तब आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। मतलब जैसे अगर आप दो भी स्पून यूज़ करें, जैसे मैं ये स्पून यूज़ कर रही हूँ, तो एक स्पून आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शो यू ऑल्सो कि इतना ही पानी मैंने लेना है। ठीक है, और इसको मिक्स कर देना, फिर उसको उसका भी उड़ने का हमें वेट करना है, फिर पानी धीरे 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 करके उड़ जाए। बस इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि बस नीचे नहीं सकते और इसकी बुनाई भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। इसमें मैं डाल, क्योंकि मैंने 1 किलो चिकन लिया है और साथ में हम इसमें भिंडी भी ऐड करेंगे, तो हम इसमें डालेंगे 3.5 स्पून मिर्ची। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 और ये थोड़ा आधा चम्मच। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे धनिया पाउडर, वो हम ऐड करेंगे 2.5 टीस्पून। ठीक है, 1, 2 ये आठ। अब इसमें से ऐड करेंगे हल्दी, हल्दी थोड़ी सी ऐड करेंगे, विच इज आधा चम्मच से भी बहुत कम, मतलब 1/4 टीस्पून। ठीक है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक हम इसमें 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। अब नमक का ऐसा है कि आप लोगों को अगर घर में इतना आप हाइपरटेंसिव बीपी वाले पेशेंट हैं तो उसमें नमक कम ऐड करना है। ठीक है, अब इसमें पानी है थोड़ा थोड़ा सा और हमें तो लग रहा है कि थोड़े और पानी की ज़रूरत है, तो हमें एक बार ये पानी थोड़ा हो जाता है, मैंने मसाला भी ऐड किया है, इट्स बेटर कि इस टाइम में थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँ। मैं इसमें थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना चाहिए कि इसकी भुनाई हो जाए अच्छे से। ठीक है, चिकन की अच्छे से भुनाई हो गई है, आप अच्छे से ये पक गया है। ये हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि इसने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया। हर नॉनवेज का भी, चिकन भी, मटन भी, एनी अदर नॉनवेज, उसका ये है कि वो पक कैसे गया, हमें कैसे अच्छा पता चल, मतलब उसकी भुनाई अच्छे से हुई है नहीं हुई है, तो उसमें ये कि तेल सेपरेट हो जाएगा, तो उसका तेल सेपरेट हो गया है। तो ये हमारा इस स्टेज पे चिकन इज़ रेडी। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। ठीक है, अब स्टेज मैंने इसको लो फ्लेम पर रख दिया ताकि थोड़ा बहुत और पकेगा, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। फिर इसके बाद जब मैं इसमें भिंडी ऐड करूंगी, तब इसको भिंडी डाल के थोड़ा सा पकाऊंगी। भिंडी को पकाने के ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है इसके, तो अभी हम इसको लो फ्लेम पे ताकि थोड़ा थोड़ा पक जाए और भिंडी हम बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने भिंडी ली है सारी, इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, इसको थोड़ा ड्राई होने देना है अच्छे से ताकि पूरा ड्राई हो जाए, लेकिन अगर ये ड्राई नहीं हुई ना तो ये बहुत चिपचिपी और स्टिकी हो जाती है। लेकिन उसका भी तरीका आगे है कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो, अगर स्टिकी नहीं हो तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि जो भिंडी हम डालेंगे चिकन में उसको काटने का क्या तरीका है। सही है, तो हमने ये इसके स्टार्टिंग और एंड तो काटने होते हैं, बेसिक जो रहते हैं, इसको हमने ना 2 टुकड़ों में काटना है, या तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी डाल सकते, इट्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस कि कैसा रहता है। तो हम 1 के 2 टुकड़े करके ऐसे करके हम डाल देते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हो, या जिसको चाकू से डर लगता है ऐसे भी काट सकता है, तो उसके 2 पीसेस हो गए। तो ये सारा हम ऐसे काटेंगे और इसको फिर हम चिकन में डालेंगे, लेकिन डालने से पहले हम इसको करेंगे फ्राई। तो वो तरीका जिसके बारे में बता रही थी, तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई, डीप फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर उड़ जाए और ये अंदर स्टिकीनेस नहीं दे। ठीक है, तो ये सब बाकी का सारा करके फिर आगे हम इसको चिकन में डालेंगे। ये तो बेसिक तरीका नाइफ और बोर्ड वाला, जो लोग बोर्ड और नाइफ यूज़ करके काटते हैं, कटिंग करते हैं, जिनको आसानी रहती है, लेकिन हम लोग इंडियन हाउस होल्ड में इतना तो हमारे पास टाइम नहीं होता है कि आप बोर्ड लेके बैठो, चाकू लेके बैठो फिर काटो, बेसिकली हम हाथ से लेते हैं, उठाते हैं और काट देते हैं। तो ये हमारा फास्ट फास्ट तरीका है, इसमें हमको चेक भी करना है ना कि इसमें कोई कीड़े नहीं हो या ऐसा करके, इसमें काटना है जल्दी 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 हो जाएगा।
अब काटते काटते थोड़ा हमने निज़ाम उल्टा कर दिया, इधर वेस्ट आ गया है, इस पर हमने सामान रखना शुरू कर दिया है, मतलब भिंडी। तो मैं सोच रही थी कि काटते काटते आपको थोड़ा भिंडी के बेनिफिट्स बता दूँ। तो भिंडी इज़ वेरी गुड फॉर द पीपल जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके लिए इट ऑल्सो हेल्प्स इन हाई कोलेस्ट्रॉल। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई की शिकायत है तो उन्हें भिंडी ज़्यादा खानी चाहिए। ऑल्सो एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी जिसको रहती है, उसके लिए भी अच्छा है बहुत। ऑल्सो आईसाइट, आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है। और क्या फायदा, और ऑफकोर्स द इम्यून सिस्टम, आप जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ तो दैट ऑल्सो हेल्प्स विद इम्यून सिस्टम। तो ये सब फायदे हैं। और ऑल्सो डायबिटीज, ऑल्सो कुछ लोग क्या करते हैं ना, डायबिटीज़ के लिए भिंडी को रात भर ऐसे ही काट के और उसको पानी में रख देते हैं ओवरनाइट, और फिर उसका जो जूस और पानी जो भी रहता है वो सुबह उठ के पीते हैं। सम पीपल क्लेम कि हाँ इससे डायबिटीज़ का इलाज तो नहीं, ऑफकोर्स हाँ इट प्रिवेंट्स कि और कंडीशन वर्स नहीं हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो भिंडी खाना इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो ये सब बेनिफिट्स हैं भिंडी के। आप भिंडी वैसे भी बनाते होंगे तो हम इसको चिकन के साथ ऐड कर ले रहे हैं, उसमें भी भिंडी का फ़ायदा आ जाएगा। ठीक है, जब हमने नॉन स्टिक पैन लिया है, अब हम इसमें एक चम्मच ऑयल टीस्पून डालूंगी। मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी नॉन स्टिक है, और उसको थोड़ा सा मैं स्प्रेड कर दे रही हूँ ताकि अब हम इसमें ना हमें इसको हल्का सा ही इसमें इसको भिंडी को रोस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने डाल दिया है ऑयल और इसमें ऐड कर दूँगी हमारी भिंडी लिटिल फिंगर, ताकि ये थोड़ी गीली भी थी इसलिए तो इसका गीलापन निकल जाए और इसको चिपचिपी नहीं बने। तब हम इसको चिकन में ऐड करें तो ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है, जितना ऑयल है उतना ही काफ़ी। आपको लगे कि सारी भिंडी पे तो ऑयल आया नहीं है, इतना ही ऑयल काफ़ी है, ज़्यादा ऑयल हमने डालना भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल हमारे उसमें चिकन में भी है, तो ये कुछ नहीं। हमें इसको इतना करना है कि रोस्ट जैसा हो जाए ताकि ये चिपके नहीं, मतलब चिपचिपापन नहीं आए। ठीक है, इसको हाई फ्लेम में ही कर रही हूँ मैं, और आपको पता कैसे चलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। इसका भी थोड़ा कलर चिपकेगा, थोड़ी ब्राइट ब्राइट सी दिखेगी, थोड़ी जब रोस्ट होने लगेगी ना तो थोड़ा इसका कलर डार्क हो जाएगा, एंड देन यू नो कि हाँ ठीक है ये प्रॉपर रोस्ट हो गई, थोड़ा चिपचिपापन भी सब कम हो जाएगा। अब हम इसको चिकन में ऐड कर देंगे। हम लोग भी पहले सोचते थे कि भिंडी और चिकन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, अच्छा नहीं बनता है, पता नहीं क्या टेस्ट करेगा, बहुत अजीब सा। पर जब मामा ने एक बार बनाई थी देन वी नो कि अच्छा, ये एक्चुअली टेस्ट अच्छा करता है, तो इसको बना सकते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ इसको इस तरह से। सो आप लोग भी अगर आपको ऐसा लगता है कि चिकन और भिंडी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनता है तो डू ट्राई दिस रेसिपी, और फिर आप कॉमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर बताइए कि कैसी बनी। ठीक है, रोस्ट हो गई, आप देख सकते हो ना ये थोड़ा थोड़ा रोस्ट होना शुरू हो गया, ऐसा ऐसा ये काफ़ी रेडी हो गया है, थोड़ा थोड़ा ऐसा ना ब्राउन ब्राउन थोड़ा आने लगा है। तो मान लो समझे परफेक्ट पॉइंट कि हाँ इसको फ्लेम को बंद कर दो, और जितना भी इसका पैन का हीट है उससे थोड़ा और जितना होता है वो हो जाएगा। ये हमारी भिंडी हो गई है, अब हम इसको डालेंगे चिकन में। वो जो बच्चे होते हैं ना जिनको नॉनवेज खाना रहता है और कहते हैं कि हम वेज नहीं खाएंगे, तो दिस इज a good idea to make them eat bhindi and chicken together. तो आप ये बना सकते हो and try करके हमें बता सकते हो। Do comment us कि आपने बनाया है या आपने कभी बना रखा हो तो ये कैसा बना हो और कैसा लगता है आपको। तो हम मैंने ऐड कर दिया इसमें भिंडी, ज़्यादा देर उसको पकाना नहीं क्योंकि मैंने उसको रोस्ट किया था तो थोड़ा वो भी कुक हो चुकी है, बस मैक्सिमम 5 मिनट इसमें रख के इसका थोड़ा फ्लेवर आ जाए चिकन का इसमें, इसको मैं थोड़ी देर कवर कर देती हूँ और फिर 5 मिनट के बाद इसका फ्लेम बंद कर दूँगी, फिर रेडी हो जाएगा।
अगर आपको किसी भी स्टेज पर लग रहा है कि पानी खत्म हो रहा है, चिपक रहा है, तो ज़्यादा इसको पकाना नहीं है आपको ना, या तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। कभी भी मटन या नॉनवेज कभी भी पकाना तो उसमें डरना नहीं है कि चिपकेगा चिपकेगा, ऑलवेज यू कैन ऐड वाटर। और वो पानी हमेशा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम उसको वापस भी गर्म करते हैं, क्योंकि अगर लेट खाना खाते हैं तो वो पानी तब तक उड़ जाता है, वो सेटल हो जाता है। तो कभी भी नॉनवेज में आपको डरना नहीं है कि चिपक रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, तो मैं इसलिए हो गया है, चिकन ऑलमोस्ट हो चुका है, अब मैं इसको बंद कर दूँगी और 2 मिनट और पकाऊँगी बस। ऑल्सो आप लोगों ने कमेंट करना है नीचे और बताना है, एंड शेयर विद अदर पीपल एज वेल, सो दैट दे नो द बेनिफिट की भिंडी के फ़ायदे, चिकन एंड ऑफकोर्स मटन का क्या रहता है। एंड जिन्होंने नहीं, जिनको रेसिपी नहीं पता है, तो दे विल ऑल्सो गेट इन्वाइटेड कि हाँ ऐसे भी बना सकते हैं। नॉन वेज तो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम फैमिलीज बनाती हैं, सो ये है आइडिया। सो शेयर विद एवरीबडी, लाइक एंड कॉमेंट। मैं इसको अभी थोड़ी देर बंद कर देती हूँ, फिर जब मैं डिश आउट करूँगी तब आपको